मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटना के महीनों बाद शुरू हुआ एक्शन। महिलाओं को निर्बस कर घुमाने वाली भीड़ में हुई 4 गिरफ्तारियां। फूंका गया मुख्य आरोपी का घर, दिलाई गई सजाए मौत की उम्मीद। मणिपुर हिंसा में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सरकार और प्रशासन की नींद तब खुली जब सारी हदें पार हो गईं और शर्मसार कर देने वाली सच्चाई महीनों बाद दुनिया के सामने आई। महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाने का वीडियो सामने आने और शिकायत दर्ज होने के बीच 62 दिनों में FIR 2 पुलिस स्टेशन में धूल फांक रही थी। हालांकि जब विपक्ष और जनता का गुस्सा फूटा तब प्रशासन जागा और एक्शन शुरू हुआ। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच शुक्रवार को नाराज भीड़ ने घटना के मुख्य आरोपी हेरोदास सिंह का घर जला दिया। घटना चेकमाई इलाके की है। मणिपुर पुलिस का दावा है कि हेरोदास सिंह ही घटना का मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। आरोपियों को सजाए मौत दिलाने की कोशिश होगी, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि घटना 4 मई को मणिपुर के थाउबल जिले में हुई थी, जिसके बाद 18 मई 2023 को एक पीड़िता के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश में मचे बवाल के बाद मणिपुर और केंद्र सरकार विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा, वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हुए हैं। हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। CGI ने कहा, सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। देर सवेर घटना पर प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया। मोदी ने कहा, इस घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। न्यूज एजेंसी NI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है, सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्वस महिला की वीडियो को शेयर नहीं करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।